आगरा से खबर, जहां अगवा हुआ दिव्य बरामद हो गया, सकुशल मिल गया है परिजनों को उनका बेटा। आपको बता दें कि 13 मार्च को दिव्य का अपहरण हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई थी कि किस तरह से घर के अहाते से ही बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और उस बच्चे का अपहरण कर अपने साथ ले गए थे। बाइक सवार अपहरणकर्ताओं ने जिस तरह से घर के आंगन में खेल रहे इस बच्चे का अपहरण किया था, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे। फिलहाल अच्छी खबर ये है कि अब दिव्य को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है और इसके बाद परिजन फिलहाल खुश है। तो भी आगे कौन अपहरण करता थे, क्या उनका मोटिव था और कहां इसे रखा था, ये जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे राहत भरी खबर यह है कि दिव्य सकुशल है, दिव्य ठीक ठाक है और उसे बरामद कर लिया गया है। शिव चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिव, 13 मार्च से लेकर अब तक का बहुत लंबा वक्त जो परिवार के लिए और भी ज्यादा मुश्किल और लंबा उनको लगा होगा, ये बताएं कि सकुशल वापसी हुई है दिव्य की, कहाँ रखा था दिव्य को, किस मोटिव के साथ, किसने उसका किडनैप किया था, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए मैं बताना चाहूंगा, अभी परिवारजनों को दिव्य मिल तो गया है लेकिन पुलिस कस्टडी में, बहुत ज्यादा पुलिस अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है। हालांकि ये 13 तारीख को ये घर के अंदर साइकिल चला रहा था दिव्य, और उसके बाद बाइक सवार अपहरणकर्ताओं ने इसका अपहरण कर लिया और लगातार पुलिस की कई टीमें लगाने के बाद दिव्य की बरामदी करने की पुलिस प्रयास कर रही थी और आज सफलता मिल गई है। दिव्य को आज परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आखिर दिव्य को रखा कहां गया था, ये पुलिस ने बरामद किया है या फिरौती देकर परिवारजन खुद लेके आए, ये अभी संशय का विषय बना हुआ है। चलिए शिव, यानी कि अभी बच्चा जाहिर सी बात है सहमा होगा, डरा होगा, तो चलिए जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी कि क्या वाकई में पुलिस की कामयाबी है या परिजनों ने फिरौती देकर बच्चे को छुड़ा है, ये फिर हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बरामद हो गया है दिव्य, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये पुलिस की वजह से कह सकते हैं कि बच्चा घर आया है या फिर परिजनों ने अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए यहाँ पर फिरौती दी है। लेकिन खबर यह है कि फिलहाल दिव्य घर वापस आ चुका है क्योंकि बहुत डरा सहमा बच्चा है। 13 तारीख से उसका अपहरण हुआ था और आज 17 तारीख हो गई है, तो काफी लंबा वक्त होता है और उस दौरान बच्चा किस हालत में रहा होगा अभी ये बात साफ नहीं है। तो फिलहाल अभी वो बोल नहीं पा रहा है, पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस के पास अभी वो बच्चा है। तो जैसे बच्चा परिजनों को मिलेगा और थोड़ा सा नॉर्मल होगा और थोड़ा इस स्थिति में आएगा बोलने की स्थिति में, तो उसके बाद एग्जैक्ट यानी कि सटीक उसके संग क्या हुआ, कौन लोग थे, उसे कहां रखा गया था, ये सारी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आएंगी, तो वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं परिजन, खुश हैं कि बच्चा उनका वापस लौट आया है। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इतने दिन से जो पुलिस की टीमें लगी थी वो बच्चे को बरामद नहीं कर पाई, तो क्या ये पुलिस के ऑपरेशन का नतीजा है जो अब जाकर सफल हुआ या फिर परिजनों ने फिरौती यहां पर दी है। ये तस्वीरें आप दिव्य की देख रहे हैं बच्चे की, और ये उस दिन की तस्वीर जिस दिन किडनैप हुआ था, ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए कि वो बच्चा अपने घर में खेल रहा था, बाइक में सवार होकर बदमाश आए, बच्चे को उठाया, बाइक में बिठाया और वहां से चले गए। तो बहुत सारे सवाल उस वक्त भी खड़े हुए कि कैसे इस तरह से बच्चे का घर के आंगन के सामने से अपहरण हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, देख रहे हैं आप, बाइक सवार है, उसने बच्चे को उठाकर बिठाया बीच में और उसके बाद ये लोग बच्चे को बाइक से यहां से लेकर भागे। तब से काफी हड़कंप मचा था, 13 तारीख की घटना थी, उसके बाद से अब जाकर दिव्य अपने घर लौटा है, कैसे लौटा है, किस कंडीशन में लौटा है और क्या ये पुलिस की कामयाबी है या फिर जो बदमाशों का मोटिव था फिरौती या उसके बाद इसे छोड़ा गया है, ये अभी फिलहाल पता लगाया जा रहा है।